नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं इरशाद एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि हमारे गली मोहल्ले से दो लोग जाते हैं गाड़ी से और उनके पास एक बॉक्स होता है, पिंक कलर का बॉक्स होता है बड़ा सा, या होता है ग्रीन कलर का। और साथ अपने साथ वो कुछ फाइबर केबल लिए होते हैं। तो कुछ लोग को लगता है कि वो लाइन मैन है, कुछ लोग को लगता है कि वो इंटरनेट वाले हैं। तो चलिए आज हम दिखाते हैं उस बड़े से बॉक्स के अंदर क्या क्या होता है। एक्चुअली वो लोग होते हैं इंटरनेट वाले, फाइबर केबल में जो फाइबर का जो काम करते हैं इंटरनेट का, वो उनको स्प्लाइसर कहा जाता है। तो वो स्प्लाइसर होते हैं। उनके पास जो बॉक्स होता है पिंक कलर का या ग्रीन कलर का, उस डिब्बे में बॉक्स में क्या क्या होता है, आज हम इस छोटी सी वीडियो में आपको वो दिखाएंगे। तो चलिए ले चलते हैं आपको स्प्लाइसर के बॉक्स के अंदर क्या क्या होता है, आज आपको वो दिखाते हैं कौन कौन से टूल्स होते हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, चलिए हम आपको इस बॉक्स के अंदर क्या है, हम आपको आज इस बॉक्स के अंदर क्या क्या है मैं बताते हैं, ठीक है। स्प्लाइसर का बॉक्स के अंदर क्या क्या होता है, ये हमने बॉक्स खोला और हमें कुछ टूल्स दिख रहे हैं। छोटे टूल्स में बड़ा धमाका इसको कहते हैं। ये टूल्स देखने में छोटा ज़रूर है, मगर महंगा बहुत आता है। ये 1 से 2, 3 लाख, 4 लाख का आता है। इसका काम ये होता है कि दो फाइबर केबल्स को, दो कोर्स को आपस में जोड़ने का काम करता है। इसको स्प्लाइसिंग मशीन कहते हैं। और इसमें एक डिस्प्ले होता है, देख पा रहे हैं, ये डिस्प्ले पे दिखाता है कि कौन सी कोर कितने dB लॉस पे जुड़ी हुई है। इसको स्प्लाइसिंग मशीन कहते हैं। ये इसका डिस्प्ले है, देख पा रहे होंगे आप, ठीक है। ये छोटा ज़रूर दिख रहा है, मगर बहुत महंगा होता है। कंपनी के हिसाब से, ब्रांड के हिसाब से आप जैसा लेंगे वैसा मिलेगा आपको। उसके बाद दूसरा टूल्स है, ये है फाइबर टेस्टर, इसको फाइबर मल्टीमीटर भी कहते हैं। इसमें ये बताता है कि हमारे फाइबर केबल्स में कितनी पावर आ रही है, और इसमें दो सेल लगे होते हैं जिससे ये मीटर काम करता है। उसके बाद ये आता है फाइबर कटर, इसको फाइबर कटर इसलिए कहते हैं क्योंकि फाइबर केबल्स को कट करने का काम करता है। ये आराम से 1 से 2 हज़ार मिल जाएगा, ये भी आपका फाइबर ही कटर ही कहलाएगा एक तरीके का। ये अगर मार्केट में जाएंगे तो आपको आराम से 2 हज़ार 2.5 हज़ार एज अ कंपनी के अकॉर्डिंग मिलेगा। उसके बाद ये अगला है पैच कॉर्ड, ये पैच कॉर्ड होता है जो राउटर के बैक साइड में लगता है, ONT के बैक साइड में लगता है ये, क्योंकि ये ग्रीन कलर में भी होता है और हरे कलर में भी होता है। देखिए इमेज में दिख रहा होगा, ग्रीन कलर का है ये राउटर के बैक साइड में लगता है। और ये टेप है, इससे क्या किया जाता है, जो फाइबर के जो कोर होते हैं GC बॉक्स में चिपकाने के काम में आता है। तो दोस्तों, आज हमने छोटी छोटी टूल्स दिखाई, ये छोटे ज़रूर हैं मगर बहुत महंगे होते हैं, ठीक है। तो आज दोस्तों कैसा लगा, आपकी गली मोहल्ले में जो बॉक्स लेकर के जाते हैं, आप भी अब देख सकते हैं क्या क्या होता है। हमारी वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।